इंटरेस्टिंग टॉपिक ह्यूमन एवोल्यूशन पे आते हैं. ये लास्ट टॉपिक है एवोल्यूशन का एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. बुक में ये एक पैराग्राफिंग फॉर्म में दिया हुआ है. मैं आपको स्टार्टिंग के जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनसे पॉइंट वाइज डिस्कस करके आपको स्टैंजा वाइज मैं आपको कराऊंगी पैराग्राफिंग. मैं कंप्लीट सारी एक जैसे बुक में स्टोरीज के फॉर्म में पूरा एक बता रखा है, एग्रीगेट कर रखी है हर चीज, सेपरेटेड सेग्रीगेटेड डिटेल नहीं है बहुत प्रॉपर. तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं करा रही, लेकिन जितनी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से. लेकिन पर्टिकुलर जैसे पहले ड्रायर किकस या राउंड किकस की करी, तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने ये सारे ह्यूमन एवोल्यूशन के कंटेंट को. तो उस हिसाब से मैं आपको ये टॉपिक डिस्कस करा रही हूँ, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन. Origin and evolution of man. Yeah, human evolution. कोई भी heading हम इस topic को दे सकते हैं. Origin and evolution of man. Yeah, human evolution. बिलासपुर हिमाचल प्रदेश. ड्रायोथीकस के साथ ही रामोथीकस एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं एंड करके इसके अलग फीचर्स इधर लिख देती. ठीक है, bodies were ape-like, ape जैसे bodies थी इनकी. They walked like gorillas. ये उनसे भी
एग्जिस्ट करते थे, यानी कि 20 से 25 मिलियन ईयर्स अगो भी बीज यूज टू एग्जिस्ट। थोड़ा जैसे मैं आपको थोड़ा एक्चुअल डाटा बता रही हूँ विच आई हैव टेकन फ्रॉम एन आर्टिकल एंड ऑल ऑथेंटिक आर्टिकल, बट आप लोग अगर थोड़ा जैसे डिस्क्रिपेंसी आ जाती है जहाँ पे स्पेसिफिक बाई चांस, ये मैं ऑप्शन आपको सारे डिटेल वो लिखवा रही हूँ, अगर बुक से डेटेड ऑप्शन आ जाते हैं ठीक है, इफ यू फाइंड सम डिस्क्रिपेंसी, लेकिन गो फॉर व्हाटएवर इज देयर इन एनसीईआरटी। बट एक चीज ये, दिस थिंग शुड बी इन योर नॉलेज दैट रामाटिकस से पहले ड्रायोटिकस एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहे थे, उनसे 10-15 मिलियन ईयर्स तक ये एग्जिस्ट करते रहे, उसके बाद 15 मिलियन ईयर्स हो रामाटिकस यानी कि जो इससे नेक्स्ट हम करेंगे वो एग्जिस्ट वो आए। अब यहाँ पे ये पॉइंट में थोड़ा बॉक्स में कर लेती हूँ बिकॉज ये थोड़ा एनसीईआरटी से डिफरेंट है, बट ये एग्जिस्ट कर रहे थे, they existed 20-25 million years ago। अभी इसमें बुक आपकी मेंशन नहीं करती कि 15 मिलियन ईयर्स अगो दे बोथ एग्जिस्टेड, वो ये नहीं कहती थी कब बने। हाँ, बोथ ऑफ देम यस दे एग्जिस्टेड 15 मिलियन ईयर्स अगो, बुक इज वेरी मच एक्यूरेट अबाउट इट, बुक सही है, लेकिन ये उससे पहले भी एग्जिस्ट करते थे ठीक है। सो दिस इज सम एक्स्ट्रा पॉइंट, यू कैन जस्ट एनसर्कल इट, whatever points you find, अभी ये जैसे मैंने आपको बताया whatever points you find a little different and all, you can just circle them with red pen and all, और ध्यान रख सकते हो कि आपकी जो question आपको आ रहा है वो अगर exact आपकी book के हिसाब से generally आता भी जैसे उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा expanded कर आ रही हूँ, क्योंकि कई बार हल्का expanded form में भी question आ जाता है, तो उतना मैं आपको थोड़े से points इसमें आपको एक्स्ट्रा बता दूंगी कि अगर बुक से आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाता है कि अगर बुक से हल्का डिबेटेड है तो आपको वो कैसे अटेम्प्ट करना है। सो डायोटिकस के फॉसिल सबसे पहले मिले बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, देयर बॉडीज वर हेयरी बॉडीज एंड देयर बॉडीज वर एप लाइक, दे वॉक्ड लाइक गोरिल्लास, दे वर दे आर कंसीडर्ड एज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड मैन ठीक है। तो जरा नोट डाउन करो बच्चे, फिर हम आगे चलते हैं।
now we shall discuss about Ramakirtis. Actually, both of them existed during the same time, mainly 15 million years ago. Dravatikas एक जैसे एक branch निकल गई थी Ramakirtis की, लेकिन अभी भी कुछ members Dravatikas के भी exist कर रहे थे और Ramakirtis के भी exist कर रहे थे about 15 million years ago. It was more man-like and it existed 15 million years ago.
just note it down, then we shall move forward. Thank you.
सालों का नाम से लिखता है, बट इट वॉज इन अफ्रीका, अफ्रीकन एप मैन. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फॉसिल्स डिस्कवर किसने किए थे और जो फॉसिल डिस्कवर किया था उसका भी पर्टिकुलर नाम रखा गया था. सो फॉसिल वर डिस्कवर्ड बाय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोनों ही पॉइंट्स आपके बुक में नहीं है. ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड बाय रामन दास एंड फॉसिल फर्स्ट फॉसिल फॉर ऑफ बेबी क्लाइन बेबी उसका नाम रखा गया. एंड दीज इनके फॉसिल से या उस टाइम के डिपॉजिट से पता चलता है कि ये क्या यूज करते थे. दे यूज्ड स्टोन वेपन्स. दे यूज्ड स्टोन वेपन्स एंड दे वर hunters. ये hunters थे लेकिन खाते ये fruits थे, तो मे बी उनकी खाल इस्तेमाल करने के लिए या अपने बचाव के लिए ये hunting करते होंगे. इनकी cranial cavity यानी जिसमें ब्रेन होता है उसका कितना वॉल्यूम है 600 cc. क्रेनियल कैविटी सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है. एज आई टोल्ड यू दे वर हंटर्स बट दे एट फ्रूट्स. पॉइंट्स यहां पे लिख रही हूं. दे हैड बाइपेडल लोकोमोशन.
लंबर कर्वेचर के बारे में मैंने आपको जैसे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में लास्ट ईयर करवाया, तो वो लंबर कर्वेचर जो हमारे लंबर वर्टिब्रा का पर्टिकुलर कर्वेचर है विच इज कन्वेक्स एंटीरियर एंड कनकेव पोस्टीरियर, तो वो पर्टिकुलर कर्वेचर इनमें एग्जिस्ट करता था, यानी कि इस वजह से इनकी बॉडीज इरेक्ट और बाइलेटरल लोकोमोशन था। तो क्या एग्जिस्ट करता था इनमें? लंबर कर्वेचर।
रोबस्टस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोएसी, ये दो के नाम आप याद कर लो, मल्टीपल स्पीशीज के नाम हम जानते हैं इसमें, बट दिस वुड बी नियरली सफिशिएंट. सो ये दो बस नियरली 1 मिनट ले लो, ठीक है. तो ये नोट डाउन करो, क्लियरली नोट डाउन करना, बेशक कैपिटल में जैसे मैंने स्पीशीज कैपिटल स्पेलिंग्स मेंशन किए वैसे कर लो. तो ये वो जगह है जहां पे इसके हमें फॉसिल्स मिले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के. ईस्ट अफ्रीकन बेसिकली कौन से बायोम में, ग्रासलैंड्स में ये दे यूज्ड टू वॉक इन दिस ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, और फॉसिल्स पर्टिकुलरली इथियोपिया एंड तंजानिया से इसके हमें मिले. बायोम कौन सा था, ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड्स, ठीक है, जहां पे इसमें आप देख रहे हैं नोट डाउन कर लो. आज के डेट में जो ह्यूमन का जीनस है दैट इज होमो, हम हैं होमो इरेक्टस.
ह्यूमन लाइफ जितने भी हमारे एंसेस्टर्स हैं उनसे ये पहला ह्यूमन लाइफ था। इट वॉज द फर्स्ट ह्यूमन लाइफ बींग ह्यूमन लाइफ ब्रेन कैपेसिटी या क्रेनियल कैपेसिटी के इसके लिए अगर देखते हैं तो इसकी कितनी थी 650 to 860 यानी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ रही थी। अब आपको हम आगे से आगे करेंगे तो ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती हुई देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसमें नोटेबल फीचर क्या है ह्यूमन एवोल्यूशन में। वन ऑफ द नोटेबल फीचर है इंक्रीज इन द ब्रेन कैपेसिटी। होमो हैबिलिस, होमो वर्ड आया है पहले हमारे जीनस का पहला मेंशन यहाँ पे आया है। सो इट वॉज द फर्स्ट ह्यूमन लाइफ बींग द होमिनिड लाइक होमिनिड मतलब ह्यूमन लाइफ सबसे पहले जो ह्यूमन लाइफ बींग आया है एंसेस्टर जैसे ड्रायोथिकस नामोथिकस ऑस्ट्रालोथिकस तो ये अलग थे। होमो जीनस में ये फॉल कर रहा है बिकॉज ये हमारे जीनस की काफी इसमें वो सारे जो पिछले एंसेस्टर्स हमने थे डिस्कस किए वो हमारे जीनस में फॉल नहीं करते थे बिकॉज उनके काफी फीचर्स हमसे अलग थे। बट ये हमारे जीनस में अगर फॉल कर रहा है तो दैट मीन्स हमारे जीनस के कैरेक्टर्स इसमें हैं। सो इट हैज स्पीशीज की जैसे सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उससे ज्यादा उससे कम बिल्कुल जीनस में होते। तो जीनस ये शेयर कर रहा है हमारे साथ दैट मीन्स इट हैज many characters similar to that of ours. So it was the first human like being, the hominid. इसे handy man भी कहते हैं। Brain capacity 650 to 800 cc इनकी थी। Brain capacity is very important for each and every जहाँ पे भी हम mention करने हैं whatever तो वहाँ पे आपको ये learn करना जरूरी है each and every ancestor के लिए। ठीक है? Probably शायद homo habilis जो थे they did not eat meat. They were like vegetarians. So fossils इनके जो discover हुए थे वो किसने discover किए थे? Fossils were discovered by Leakey. So just note down about Homo habilis.
देन
ट्रेडिशन स्टार्ट किया जिसमें हमने ग्रास नामकस फॉलोड बाय एस्ट्रोलॉकिकस के बारे में डिस्कस किया. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट आर फर्स्ट एंसेस्टर टू बी इन द होमोजीनस. ठीक है, होमो टू बी इन द जीनस होमो आई वुड से बिकॉज होमोजीनस इज अनदर टर्म. बी इन द जीनस होमो, सो होमो हैबिलिस इनको हैंडीमैन भी बोलते हैं, द होमिनिड भी बोला जाता है. सो ये सब हमने डिस्कस किया. तो ये सारा कंटेंट आप लर्न करें, इनकी ब्रेन कैपेसिटीज कहाँ से इनके फॉसिल्स मिले, किसने डिस्कवर किया, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन वी हैव डिस्कस्ड टुडे, इट इज इम्पॉर्टेंट. एक साथ करने बैठोगे इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, सो राइट इट डाउन अगेन एंड अगेन एंड देन लर्न इट. लिख लिख के याद करो इसको, इसको लिख के याद करना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इसको लिख लिख के याद करो, इट्स अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एवोल्यूशन बिकॉज ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू ह्यूमंस, हमारी अपनी रेस से रिलेटेड है. तो ऑब्वियसली ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करें, नोट्स तैयार करें, पॉइंट वाइज प्रॉपर तरीके से जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखें और रिवाइज बार बार करते रहें. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट लर्न इट नाइसली एंड रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन रिगार्डिंग इट्स इम्पॉर्टेंस कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ऑब्वियसली इसको आपको स्पेशल अटेंशन देके लर्न करना पड़ेगा, तब एक साथ सारा लर्न करने बैठ जाओगे मुश्किल हो जाएगा. एक बार इतना लर्न करो, आगे हम जब बाकी चीजें डिस्कस करेंगे सो क्लब कर लेना चीजों को, अभी इतना लर्न करो. सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर, ऑल द बेस्ट.